इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है, गैंगस्टर दी गर्लफ्रेंड दा कतल हो गया है। होटल दे विच किसे कारोबारी दे नाल न्यू ईयर मनाउन गई सी, सीसीटीवी दे विच कातल कैद होए ने। देख सकते हो कि किवें लाश नूं घड़ीसदे होए लैके जा रहे ने कातल। इस लाश नूं घड़ीस के इन्हां ने गड्डी दे विच रख्या ते लाश लैके फरार हो गए ने कातल। तां कातल दी जिहड़ी पहचान है वह भी की जा चुकी है। तां दस दईए कि गर्लफ्रेंड दा नाम दिव्या दसिया जा रहा है, जिस नूं घड़ीस के लै जा रही सी ये कातल। उसके कतल करन तो बाद उसकी लाश नूं देखो किवें घड़ीस रहे सी। तां गुरुग्राम के निजी होटल दे विच वड्डा कांड होया है। मिनी कूपर गड्डी दे विच लाश रख के फरार होए कातल, पुलिस ने गड्डी बरामद कर ली है। दरअसल तुहानूं दस दईए कि 2016 दे विच गैंगस्टर संदीप का एनकाउंटर होया सी, ते गैंगस्टर संदीप की गर्लफ्रेंड दिव्या जो कि 2 तरीक यानी कि 2 जनवरी नूं गुरुग्राम के एक निजी होटल के विच किसे कारोबारी दे नाल न्यू ईयर मनाउन गई। न्यू ईयर मनाउन वेले उसका कतल कर दिता गया। दरअसल मामला इंज नज़र आ रहा है क्योंकि इस गर्लफ्रेंड ते पुलिस नाल रलन दे इल्जाम सी, यानी कि 2016 दे विच गैंगस्टर संदीप दा एनकाउंटर होया सी। तां इसे गर्लफ्रेंड ते पुलिस नाल रलन दे इल्जाम सी। गैंगस्टर दी भैन ने इस ते मुखबरी करन दा शक जताया सी। गैंगस्टर दे एनकाउंटर च इस कुड़ी दा हाथ सी, इस तरीके दा कहना है गैंगस्टर दी भैन दा। तां अभिजीत नां दे शख्स ने इस कुड़ी का यानी कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का कतल किया है, जिसनों कि हुण पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके 2 साथियों भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजम अभिजीत ने 10 लाख रुपए अपने साथियों इसके कतल करन दे दिते सी। तिन्हां ने रल के दिव्या का कतल किया। पुलिस ने हुण तिन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया है। दरअसल 2016 दे विच गैंगस्टर संदीप का एनकाउंटर हुंदा है। ये दिव्या जो कि मुंबई विखे गैंगस्टर संदीप नूं मिलन जा रही सी, तां इसने लगातार राह दे विच लोकेशन लाइव लोकेशन फेसबुक ते शेयर की। 5 तों 6 वार इसने लोकेशन शेयर की। तां गुरुग्राम पुलिस इसका पिछा कर रही सी। ये अपने बॉयफ्रेंड यानी कि गैंगस्टर संदीप दे कोल जिवें ही पहुँचती है, नाल दी नाल पुलिस भी पिछा करती हुई पहुँच जाती है। उत्थे गैंगस्टर दा एनकाउंटर कर दिता जाता है ते उसकी मौत हो जाती है। जिस तों बाद गैंगस्टर दी भैण दे वल्लों इसे गर्लफ्रेंड ते इसे दिव्या ते इल्जाम लगाए गए सी कि इसने पुलिस दे नाल रल के उसके भरा का कतल करवाया है। जिस तों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। हुण 2024 का नवा साल चढ़िया। दिव्या एक कारोबारी दे नाल गुरुग्राम विखे निजी होटल दे विच पहुँचती है। पिछा करता होया अभिजीत नां दा शख्स भी पहुँचता है उत्थे अपने 2 साथियों नूं लैके। तां इन्हां तिन्हां ने रल के दिव्या का कतल कर दिता है। सीसीटीवी दे विच लाश नूं घड़ीसदे हुए भी दिखाई दिते ने। तां वड्डी खबर है गुरुग्राम तो सामने आ रही है, जिथे गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का कतल होया है। ये एक दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक हैं उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। मृतका कौन है, कहाँ की रहने वाली है सर, क्या नाम है उसका? ये मैंने आपको बताया दिव्या नाम की लड़की है और ये बलदेव नगर गुड़गांव की रहने वाली। अच्छा सर, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ साफ हो पाया अभी तक की तफ्तीश में? सर इन्वेस्टिगेशन की अभी शव को बरामद कर लिया गया गुड़गांव पुलिस की तरफ से, उसी के लिए अभी क्राइम की टीमें भी लगी हुई है। ये सामने आया था कि सबूत मिटाने के लिहाज से इसने, हाँ कोशिश की गई है। हाँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा अभी नहीं, जब पूरा खुलासा मीडिया प्रभारी के माध्यम से आपको। बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सर कौन लोग थे जो उसके शव को लेके गए हैं, क्या क्या उनकी पहचान हो पाई है सर? मैंने आपको बताया ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पे है कि उसमें कुछ भी बताना ठीक नहीं है। ठीक है सर।